बदौरा कलों में धूमधाम से निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। यात्रा में शामिल हुए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन ने फूलमाला से स्वागत किया। चंदला गौरिहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बदौरा कलों में घर घर चावल और निमंत्रण पत्र देकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में शामिल हुए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजनों द्वारा फूलमाला से स्वागत किया गया। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर एवं श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत बदौरा कलों में कलश यात्रा निकाली गई। बदौरा कलों में जनपद उपाध्यक्ष अमित वाजपेयी के निज निवास बदौरा कलों में स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का अमित वाजपेयी ने फूल माला पहनाकर पीतल का श्री राम मंदिर चिन्ह शाल श्रीफल भेंट किया। मंत्री दिलीप अहिरवार ने ग्राम पंचायत में 7.27 लाख राशि से बनने वाली सीसी रोड सह नाली निर्माण भूमि पूजन किया। यात्रा में ढोल नगाड़े बैंड बाजे डीजे घोड़े के साथ यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सम्मिलित हुए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, जनपद उपाध्यक्ष अमित वाजपेयी, चंद्रभान सिंह समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं के माथे पर तिलक रोली अक्षत लगाया। यात्रा गांव के गली चौराहे से होकर निकली, जहां भगवा में दिखाई दिया। बदौरा कलों में दरवाजे दरवाजे पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। वही यात्रा में सम्मिलित लोगों द्वारा पीले चावल एवं आमंत्रण पत्र घर घर पहुंचाया जा रहा है। यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर मां भद्रा काली मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा में महिला एवं पुरुषों में काफी उत्साह दिखाई दिया। युवा पुरुष हाथ में केसरिया ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मां भद्रा काली मंदिर पहुंचे, वहां यात्रा समाप्त हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम की मूर्ति स्थापित होने पर हर्ष जताते हुए घर घर दीप जलाने का आह्वान किया। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट।